दोस्तों, भारत और इसराइल की दोस्ती पाकिस्तान और चीन को बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि दोनों की साझेदारी ऐसी ताकत पैदा करती है जिससे इन दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। वैसे तो पाकिस्तान के इसराइल से संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ये दोनों ही कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन चीन के इसराइल से ठीक ठाक रिश्ते हैं। लेकिन फिर भी इसराइल चीन के बजाय भारत को महत्व देता है। यही कारण है कि चीन यहां भारत के आगे मात खा जाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है इसराइल के हथियार, जिनकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। वहीं भारत और इसराइल की दोस्ती इतनी खास और गहरी है कि वो अपनी हर तकनीक और हथियार सब भारत के साथ शेयर करता है, और यही बात चीन को भाती नहीं है। इतना ही नहीं, अब वो कुछ ऐसे हथियार भारत को देने वाला है जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों पर ही भारत का ऐसा कहर बरसेगा कि उसके आगे ये दोनों अपने घुटने टेक देंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से हथियार हैं जो इसराइल भारत को देने वाला है। इसके साथ ही जानेंगे कि वो कौन से ऐसे हथियार हैं जो दोनों के बीच साझा किए जाते हैं, और भारत इनकी ताकत के बल पर पाकिस्तान चीन के पसीने छुड़ा देता है। दोस्तों, भारत और इसराइल की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, दोनों देशों ने हर कदम पर एक दूसरे का साथ दिया है। वैसे भारत और इसराइल की दोस्ती की नींव गोल्डा मेयर ने रखी थी। वो न सिर्फ इसराइल की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं, बल्कि इसराइल की पूर्व विदेश मंत्री और दुनिया की तीसरी महिला पीएम भी रह चुकी हैं। साल 1971 में चल रहे भारत पाकिस्तान जंग के दौरान भारत और इसराइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं थे। उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था, लेकिन इसराइल ने भारत की मदद करने का फैसला किया। उस वक्त इसराइल की तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने भारत को गुपचुप तरीके से सैन्य सहायता मुहैया कराई थी। इस मदद के करीब 20 साल बाद यानी साल 1992 में भारत की तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने इसराइल के साथ औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए, और जनवरी 1992 में तेल अवीव में भारत का दूतावास खुल गया, जिसके बाद भारत और इसराइल के रिश्ते मजबूत होते चले गए। 1999 में करगिल युद्ध में भी इसराइल ने भारत का बहुत साथ दिया था। इस युद्ध से महज 7 साल पहले ही भारत ने इसराइल के साथ पूर्ण रूप से राजनयिक रिश्ते के तार जोड़े थे, लेकिन महज 7 सालों की औपचारिक दोस्ती को इसराइल ने युद्ध में निभाया, और इस युद्ध के लिए इसराइल ने भारत को हेरॉन और सर्चर यूएवी दिए, जिनकी मदद से करगिल की तस्वीरें ली गई थी। उसने भारत को मानव रहित विमान भी उपलब्ध कराए। वहीं जब करगिल युद्ध खत्म हुआ तो इसराइल ने भारत को सैन्य ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई थी। दरअसल करगिल से पहले होता यह था कि सर्दी के मौसम में भारत की सेना पहाड़ों से नीचे आ जाती थी, क्योंकि बहुत बर्फ और ठंड होती थी। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सेना ने खाली बंकरों पर कब्जा किया था। करगिल युद्ध के बाद इसराइल ने ऐसे इलाकों में बने रहने की ट्रेनिंग भी भारतीय सेना को दी। इसराइल के इस तरह से साथ देने से दोनों के रिश्ते बेहतर और मजबूत होते चले गए। आज भारत इसराइल से हाईटेक रक्षा सामान खरीदता है और उन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपनी सीमा की सुरक्षा करता है। दोस्तों, इसराइल ने ऐसे बहुत से हथियार भारत को दे रखे हैं जिससे वो अपनी सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देता है। इसराइल ने भारत को बोफोर्स तोप के लिए गोला बारूद मुहैया कराया है। भारतीय वायुसेना को मिराज 2000H युद्धक विमानों के लिए लेजर गाइडेड मिसाइल भी उपलब्ध कराए। इसके साथ कई ऐसे हथियार दिए जिससे दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं। इनमें से कुछ हथियारों और मिसाइलों को दोनों ने मिलकर बनाया है। MRSAM को इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। दोनों संस्थानों के साथ कुछ अन्य रक्षा कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रही हैं। MRSAM एक एडवांस एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह जमीन से आसमान तक वार करने वाला एक मीडियम रेंज मिसाइल है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि 50 से 70 किलोमीटर की रेंज में इस मिसाइल से दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार गिराया जा सकता है। भारतीय सेना के तीनों प्रमुख अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना में इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। इसराइल की डिफेंस फोर्स भी इसका यूज करती है। बराक 8 70 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली इस मिसाइल को इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने एक साथ मिलकर डिजाइन किया है। बराक 8 का निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और राफेल एडवांस डिफेंस लिमिटेड करते हैं। 2016 से यह मिसाइल भारत, इसराइल और अजरबैजान में प्रयोग की जा रही है। बराक 8 मिसाइल भारतीय थलसेना, वायुसेना, नौसेना के पास है। इसके अलावा इजरायली नौसेना और अजरबैजान की वायुसेना इस मिसाइल का इस्तेमाल करती है। फाल्कन एयर वार्निंग सिस्टम की खासियत है कि हवा में किसी भी तरह के खतरे की चेतावनी ये तुरंत देता है। इसराइल भारत के साथ 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौते पिछले कुछ समय से कर चुका है। सर्चर एयरक्राफ्ट को इसराइल का सबसे श्रेष्ठ मानव रहित विमान माना जाता है। इसराइल ने भारत को ये विमान भी मुहैया कराया है। इसके अलावा भारत इसराइल से कई हथियार खरीदने की भी तैयारी कर रहा है, जिसमें कुछ हथियारों के बारे में आपको यहाँ बता देते हैं। रैम्पेज मिसाइल
चीन की तरफ से किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए भारत अब रैम्पेज इजरायली मिसाइल लेने वाला है। इस मिसाइल के जरिए चीन की सेना और उसके हथियारों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। रैम्पेज का मतलब तबाही होता है। इस मिसाइल के बारे में सूत्रों ने बताया कि इसे सुखोई विमानों के जरिए दागा जा सकेगा। 250 किलोमीटर तक रैम्पेज मार करती है। कहा जाता है कि ये मिसाइल दागो और भूल जाओ की श्रेणी में है। ये कितनी अचूक है इसी बात से पता चलता है कि लक्ष्य के 10 मीटर के दायरे में ये जाकर गिरती है। सुपरसोनिक रैम्पेज को रडार से दुश्मन जाम भी नहीं कर सकता है। इस मिसाइल से 550 मीटर का इलाका पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। हेरॉन एमके। हेरॉन एमके एक इजरायली ड्रोन है जो 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये ड्रोन 1,000 किलोमीटर के दायरे को कवर कर सकता है। इसके अलावा ये घने बादलों के पार भी देख सकता है। ये ड्रोन 45 घंटे तक उड़ने के साथ ही खराब मौसम में भी काम कर सकता है। बताया गया है कि इस ड्रोन को लेह में तैनात किया जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय सेना ने पिछले साल हेरॉन टीपी भी लीज पर लिया। ये इजरायल निर्मित विमान है जो मानव रहित है। इसके अलावा इस ड्रोन को आवश्यकता पड़ने पर हथियारों से लैस भी किया जा सकता है। 155 mm 52 कैलिबर टो गन सिस्टम। वहीं अब भारतीय सेना की तरफ से 155 mm x 52 कैलिबर वाली टो गन सिस्टम यानी तोपों को खरीदने के लिए नया अनुरोध रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है। इस अनुरोध के बाद कौन सी कंपनी आगे आएगी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल की कंपनी एलबिट के लिए ये एक बेहतर मौका हो सकता है। कंपनी की तरफ से तैयार एथॉस होविट्ज़र सिस्टम के लिए सेना को पेशकश की जा सकती है। साल 1999 में करगिल की जंग के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इस ड्राफ्ट के तहत सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट को मॉडर्न और एडवांस बनाने की बात पर जोर दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि ऑटोनोमस टू होविट्ज़र ऑर्डिनेंस सिस्टम यानी एथॉस, यानी कि एथॉस एक लॉन्ग रेंज वाला सिस्टम है। एल्बिट का दावा है कि एक अगली पीढ़ी की तोप है जो दुश्मन को बचने का मौका नहीं देती है। दुनिया की कई प्रतिष्ठित सेनाएं इसका यूज करती हैं। एथॉस का फील्ड टेस्ट किया गया है। टेस्टिंग में यह सिस्टम हर बार स्थिरता, विश्वसनीयता और सटीकता पर खरा उतरा है। मूविंग और विभिन्न दिशाओं में फायरिंग के समय यह सिस्टम सटीक बैठता है। एल्बिट के मुताबिक एथॉस सिस्टम इन सर्विस सिस्टम और बाकी तत्वों पर आधारित है। इस सिस्टम की यूं तो खासियत कई है, लेकिन इसका फुली ऑटोमेटिक ऑपरेशन जो मैनुअल बैकअप से लैस इसे काफी खास बना देता है। इस सिस्टम को संकट के समय तुरंत तैनात किया जा सकता है। एथॉस 40 किलोमीटर तक की रेंज में फायरिंग कर सकता है। पूरी तरह से कंप्यूटराइज सिस्टम वाली ये तोप सटीकता के साथ टारगेट पर फायर करती है। एथॉस का डीजल इंजन और स्पेशल हाइड्रोलिक व्हील्स इसे और ताकतवर बनाते हैं। इसका हाइड्रोलिक सिस्टम इसे इतना सक्षम बनाता है कि यह सिर्फ एक मिनट के अंदर ही तैनाती के लिए रेडी हो जाता है। इस सिस्टम में जीपीएस के अलावा एक ऑनबोर्ड फायरिंग कंप्यूटर भी दिया गया है। दिन के समय यह सिस्टम 1.5 किलोमीटर तक और रात के समय में ये 1 किलोमीटर तक डायरेक्ट फायरिंग कर सकता है। इनडायरेक्ट फायरिंग में 40 किलोमीटर तक हमले कर सकती है। इसका वजन करीब 15 टन है। तो दोस्तों, रूस के बाद इसराइल ऐसा देश है जो भारत को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करता है। वो हर कदम पर भारत का साथ देता है। फिर बात पाकिस्तान को सबक सिखाने की ही क्यों ना हो, वो भारत का साथ कभी नहीं छोड़ता है।